आपने आईफोन के एक यूनिक डायनेमिक आइलैंड फीचर के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि 14 प्रो सीरीज में दिया गया था और 14 प्रो कंपनी का सबसे महंगे स्मार्टफोन्स में से एक है और सबसे पहले आईफोन ने इसकी शुरुआत की थी, जो कि एक नॉच फीचर, टॉप नॉच जो आपको दिखती है आईफोन में। लेकिन रियलमी जैसे ब्रांड ने अपने सस्ते स्मार्टफोन में इस फीचर को पेश किया था, जो कि मिनी कैप्सूल के नाम से आता है। और जल्द ही कंपनी अब मार्केट में अपनी सी सीरीज का एक नया स्मार्टफोन रियलमी C51 लॉन्च करने वाली है और इसे लेकर इसका डिजाइन, फीचर सब कुछ आउट हो चुका है और माना जा रहा है कि इस फोन में भी कंपनी मिनी कैप्सूल यानी कि डायनेमिक आइलैंड जैसा ये फीचर जो है ये इनबिल्ट दे सकती है। और कंपनी ने ये फीचर पहले भी अपने दूसरे स्मार्टफोन्स में लॉन्च किया है और अब जो है रियलमी C51 का एक नया टीजर भी सामने आया, जिसमें इसकी इंडियन ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको टीज किया गया है। तो ये कंपनी का एक बजट सेगमेंट वाला स्मार्टफोन होगा। इससे पहले कंपनी ने रियलमी C55 और 53 जैसे फ़ोन्स इंडिया में लॉन्च किए थे, जो भी ये टॉप नॉच मिनी कैप्सूल फीचर के साथ आते थे। और वही मैंने आपको बताया ना, इन दोनों मॉडल्स में भी ये फीचर था और अब जो 51 लॉन्च होने वाला है इंडिया में, उसमें भी हमें ये फीचर देखने के लिए मिल सकता है। इससे पहले फ़ोन को ताइवान में ऑफिशियल लेवल पर लॉन्च किया गया था, अब कुछ ही टाइम में ये इंडियन मार्केट में आने वाला है। साथ ही माना जा रहा है कि ये 10,000 रुपये से भी सस्ता स्मार्टफोन होगा और इसको दो कलर ऑप्शंस ग्रीन और ब्लैक में लॉन्च किया जा सकता है। इससे पहले जो कंपनी ने अपना रियलमी C53 लॉन्च किया था, उसको 9,999 रुपए में लॉन्च किया था। और इसके अलावा जो रियलमी C51 ग्लोबल लेवल पर लॉन्च हुआ है, तो उसके फीचर्स के मुताबिक काफ़ी हद तक जो इंडियन वेरिएंट होगा उसके भी सिमिलर हो सकते हैं। तो इसमें 6.7 इंच की एक LCD स्क्रीन मिल सकती है, जो कि HD+ रिजोल्यूशन के साथ आएगी और इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट दिखने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 10,000 रुपये से भी सस्ता स्मार्टफोन है, बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है, HD रिजोल्यूशन है। साथ ही इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस फोन में यूनिसॉक T612 चिपसेट मिलेगा। ये एक बजट सेगमेंट वाला चिपसेट है, जो आमतौर पर 10,000 से 15,000 रुपए वाले सेगमेंट में हमें देखने के लिए मिलता है। साथ में इसमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा, डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें आपको 50MP का प्राइमरी सेंसर मिलेगा और ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा फीचर है। कितने सस्ते फ़ोन में आपको इतना हाई मेगापिक्सल वाला कैमरा मिल रहा है। सेल्फी के लिए इसके फ्रंट में 5MP का सेंसर होगा। अब एक और जो हाईलाइटेड फीचर है, जो कि डिज़ाइन डिस्प्ले से अलग बिल्कुल इसको खास बनाता है, वो है बैटरी। तो कंपनी इस फ़ोन में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी दे सकती है, जो कि 33W के सुपर वॉक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। तो 10,000 रुपये से कम कीमत में 5000 mAh की बैटरी, क्योंकि अब भी जो 30,000 रुपये वाले फ़ोन आते हैं उसमें भी इतना ही बैटरी साइज़ देखने के लिए मिलता है, 33W की फास्ट चार्जिंग, यानी कि फ़ोन आपका जो है बहुत जल्दी चार्ज होगा। तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपये में एक अच्छा डिस्प्ले, एक डुअल कैमरा जिसमें आपको 50MP का प्राइमरी सेंसर मिल रहा है, एक मिड रेंज वाला प्रोसेसर, एक बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, मतलब मुझे लगता है कि 10,000 रुपये से कम में और कोई कंपनी इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं दे सकती। और साथ में इसकी यूनिकनेस ये है कि इसमें मिनी कैप्सूल फीचर मिलता है और ये फीचर इस फ़ोन को बहुत स्पेशल बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि इतने कम प्राइस सेगमेंट में रियलमी इतना कुछ इस फ़ोन में दे रही है और जो पहले भी स्मार्टफोन्स आए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स के बीच में पॉपुलर हुए हैं। और रियलमी C51 में और क्या कुछ नया हो सकता है, क्या प्राइस और ज़्यादा कम होगा, तो ये इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा और कुछ ही दिनों में इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। तो अभी जो इसका ऑफिशियल टीज़र है वो सामने आ चुका है, डिज़ाइन सामने आ चुका है, फीचर्स लीक्ड हो चुके हैं और प्राइस तो आपको पता ही है कि रियलमी ऐसे फ़ोन्स हमेशा सस्ते कीमत में निकालता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स ऐसे फ़ोन खरीद सकें और इंडियन मार्केट में स्पेशली ऐसे ही फ़ोन्स की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। तो रियलमी C51 का ये मिनी कैप्सूल फीचर आपको कैसा लगता है और इसे लेकर आपका क्या ओपिनियन है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।